इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। कुछ ऐसा ही हाल है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू EIS एंड अमेंडमेंट्स। तो भर भर के अमेंडमेंट्स आया था May 22 के पेपर में। हमने स्टूडेंट्स को बोला अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, EIS के हाफ के अंदर आएगा आएगा, पर वो नहीं आया। November 22 के स्टूडेंट्स को भी हमने बोला था कि अमेंडमेंट्स आए थे May 22 में, भर भर के एग्जाम में नहीं आए, आपके टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, पर वो नहीं आया। May 23 वालों, इंतहा हो गई, अब तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आपके पेपर में अमेंडमेंट्स का आने का। हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड आवर स्टूडेंट्स इन द एग्जाम इन द क्लासेस दैट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हाई चांसेस होगा अमेंडमेंट्स से क्वेश्चंस आने का। हमने मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट रिलीज कर दी है, उसका ड्यूटेल्स हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू देम एंड अवेल द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट वे वी हैव गिवन एन ABC एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बट अमेंडमेंट्स खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट एटलीस्ट अबाउट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द अमेंडमेंट्स, मे बी अप टू 3 क्वेश्चंस। तो अराउंड 10-15-20 मार्क के क्वेश्चंस भर भर के आने का चांसेस होगा आपके पेपर के अंदर अमेंडमेंट्स वाले पार्ट से। अमेंडमेंट्स को गलती से भी इग्नोर मत करिएगा, खास करके चैप्टर 3 वगैरह के अमेंडमेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग चैप्टर 3 छोड़कर जाते हैं। हमें पता है आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन 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 अगर आप छोड़ने का सोच भी रहे हो, वी स्ट्रांगली डिस्करेज दैट, लेकिन अमेंडमेंट्स तो गलती से भी छोड़ने का मत सोचिएगा। Don't forget to do the amendments part for the EIS half, because that's got to be very, very important for your examinations. Study hard, all the best, and we'll be back with more such tips and tricks. But till then, don't forget to follow us and don't forget to subscribe to us. But till then, all the best, study hard. I'll see you next session.